और बड़ी खबर आपको बताएं, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने बड़े मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाता था। जांच एजेंसी ने 13 जगहों पर कार्रवाई की है, 50 लाख नकद, कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। एजेंसी ने कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरई साथ ही चेन्नई में तलाशी अभियान चलाया गया। आरोप है कि विभिन्न वीजा कंसल्टेंसी फर्मों साथी एजेंटों के खिलाफ इस मामले को दर्ज किया गया है। नगद धनराशि के अलावा कई अहम दस्तावेज जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, सीसीटीवी फुटेज, इन सभी को जब्त किया गया है। दावा यह है कि लोगों को नौकरी का झांसा देकर अब तक 35 लोगों को रूस और यूक्रेन भेज भी दिया गया है। दावा यह भी है कि इसमें से एक शख्स इस युद्ध में मारा गया है। सीबीआई ने इस रैकेट के काम करने के तरीके के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि ये लोग विदेश में आकर्षक नौकरी दिलाने का वादा किया करते थे। और वही पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने पंजाबी नौजवानों को जबरदस्ती रूसी फौज में भर्ती किए जाने का मामला उठाया है। उन्होंने विदेश मंत्रालय और रूसी राजदूत को पत्र लिखकर इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की है। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। दिल्ली में पुलिस ने नकली दवाएं बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया और गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही नकली दवाएं बनाने वाली दो फैक्ट्रियों में छापेमारी भी की गई और उनमें एक फैक्ट्री के अंदर छापेमारी के लिए पुलिस पहुंची तो दंग रह गई। उस फैक्ट्री में बड़ी बड़ी कई मशीनें नजर आईं जिनकी मदद से नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। इसके साथ ही कई दूसरी मशीनें उन दवाइयों को पैक करती भी दिखी। वहां वो नकली दवाइयां कई नामी कंपनियों के नाम के रैपर में पैक की जा रही थी। इसके साथ ही उन कंपनियों के नाम के कई बड़े रोल जमीन पर पड़े दिखाई दिए जिन्हें मशीनों में लगाकर उन दवाइयों को पैक किया जा रहा था। इतना ही नहीं, उस फैक्ट्री के अंदर कई बोरियों में नकली दवाइयां मिली जबकि बड़े बड़े कई बॉक्स भी बरामद किए गए जिनमें नकली दवाइयों को पैक कर सप्लाई किया जाना था। छापेमारी के दौरान पुलिस को वहां उन दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी मिला। नकली दवाओं की ये फैक्ट्री दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में चलाई जा रही थी और पुलिस के मुताबिक वहां से जो नकली दवाएं जब्त की गई उनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई गई और उन दवाओं को बाजार में बेचने के लिए वो गिरोह पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन पुलिस ने उन दोनों फैक्ट्रियों पर धावा बोल दिया। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद के अलावा दूसरी फैक्ट्री यूपी के शामली में चलाई जा रही थी और वहां भी छापेमारी की गई और उस दूसरी फैक्ट्री से भी बड़े पैमाने पर नकली दवाएं जब्त की गई जिन्हें दिल्ली एनसीआर के अलावा कई दूसरे राज्यों में सप्लाई करने की प्लानिंग थी, लेकिन पुलिस ने उस गिरोह के मंसूबे को नाकाम कर दिया। बताया गया कि उन फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की नकली दवाएं बनाई जा रही थी। इसके अलावा दर्द की नकली दवाएं और नकली एंटीबायोटिक्स भी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों फैक्ट्रियों को अलग अलग लोग चला रहे थे। एक चेन का जो किंग पिन था वो सुरेंद्र मलिक था, जो दूसरी चेन हमने पकड़ी है वो विकास चौहान की पकड़ी है। पुलिस ने उस गिरोह में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया लेकिन नकली दवाएं बनाने वाले कई आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई। आशंका जताई गई कि नकली दवाइयों का जाल दूसरे राज्यों तक फैला हो सकता है। दिल्ली के करीब यूपी के ग्रेटर नोएडा में कुछ लोगों ने एक दुकानदार की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसमें एक आदमी ने उस दुकानदार पर गलत दवा देने का आरोप लगा दिया और इसके बाद तो 10 से 12 लोग उस दुकानदार पर टूट पड़े। उनमें एक आदमी ने उस दुकानदार का कॉलर पकड़ लिया और उसे वहां लगे काउंटर से खींचने की कोशिश की। इस दौरान उस दुकानदार के साथ मौजूद एक महिला और एक लड़के ने उसे जोर से पकड़ा ताकि वो उसे खींच न पाए। ऐसे में लोगों ने उसे काउंटर पर आधा लटका कर घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। एक आदमी तो उसकी पीठ पर कोहनी मारता नजर आया। 10 से 12 लोग उस अकेले दुकानदार को बेरहमी से पीटते रहे। ऐसे में दवा लेने आए कुछ लोगों ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन कोई भी उन्हें काबू नहीं कर पाया। वो लोग काफी देर तक इसी तरह उसे पीटते रहे। बताया गया कि एक बुजुर्ग महिला एक दवाई का खाली पत्ता लेकर उस दुकान में दवा लेने पहुंची थी। आरोप है कि उस दुकानदार ने उस महिला को गलत दवाई दी। इसके बाद उस महिला का बेटा 10-12 लोगों के साथ उस दुकान में पहुंचा और उसी ने उस दुकानदार की पिटाई कर दी।
पूरे देश में आज महाशिवरात्रि धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। देश भर में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर आपके सामने है। सुबह से ही भक्त शिवालय पहुंच रहे हैं। मंदिरों में बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। हरिद्वार, उज्जैन, अमृतसर और मुंबई, भक्त शिव मंदिरों में सुबह से ही उमड़ रहे हैं। आसपास के जो मंदिर है वहां पर पहुंचकर जय भोले की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। इधर हरियाणा के नूह जिले की चंद्रावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नकल कराने का वीडियो वायरल होने के बाद वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए गए, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़कर नकल कराने के इस वीडियो से हरियाणा सरकार की बहुत किरकिरी हुई। इसी वजह से नकल रोकने के लिए सरकार ने स्कूल के बाहर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात कर दिए, ताकि किसी भी सूरत में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल पर लगाम लगाई जा सके। क्योंकि सोशल मीडिया पर नूह जिले के चंद्रावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। उस वीडियो में नकल कराने के लिए कई लोग स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़े नजर आए। कोई पहली मंजिल के रोशनदान से लटककर नकल की पर्ची अंदर पहुंचाने की कोशिश करता दिखा, तो कोई दूसरी मंजिल के रोशनदान पर चढ़कर अपने रिश्तेदार को नकल कराने में जुटा रहा। हैरानी की बात यह रही कि वहां एक दो नहीं बल्कि कई लोग इसी तरह स्कूल की इमारत पर चढ़कर और अपनी जान की बाजी लगाकर नकल कराने की कोशिश करते दिखाई दिए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग स्कूल की चार दीवारी पर खड़े होकर अंदर पर्ची पहुंचाने की कोशिश करते दिखे, जबकि एक और वीडियो में कुछ लोग रोशनदान से लटके हुए लोगों की मदद करते नजर आए। कुछ लोग तो स्कूल की छतों पर चढ़ गए। बाद में नकल कराने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद हरियाणा सरकार एक्शन में आई। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए सरकार ने स्कूल के बाहर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवानों को भी तैनात कर दिया। उन लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया जो हरियाणा बोर्ड की परीक्षा के दौरान छात्रों को नकल कराने के लिए वहां पहुंचे। नकल का ये वीडियो मंगलवार को हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा का बताया गया। आरोप है कि परीक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद ही किसी ने चंद्रावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से फोटो खींचकर पेपर आउट कर दिया, और पेपर आउट होने के बाद तो स्कूल के बाहर नकल कराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। छात्रों के साथ परीक्षा दिलाने आए लोग जान जोखिम में डालकर स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़ गए और रोशनदान के सहारे लटककर अंदर पर्चियां पहुंचाने में जुट गए। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां नकल कराने के लिए होड़ मच गई। हर कोई इस कोशिश में जुटा रहा कि स्कूल के अंदर बैठकर परीक्षा दे रहा उसका रिश्तेदार नकल के इस खेल में पीछे न रह जाए। लेकिन परेशानी यह थी कि स्कूल के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए लोगों ने रोशनदान के जरिए नकल कराने की ठान ली। बताया गया कि वहां रस्सियों के सहारे कई लोग इमारत पर चढ़ते हुए रोशनदान तक पहुंचकर नकल कराने में जुट गए। परीक्षा सेंटर के बाहर नकल का यह खेल काफी देर तक चलता रहा, लेकिन वहां एक भी पुलिस वाला नहीं दिखाई दिया। इसी वजह से छात्रों के साथ आए लोग बिना रोक टोक के नकल कराने में जुटे रहे। इसी वजह से सरकार ने वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस के जवानों के साथ अर्धसैनिक बल के जवान डंडे लेकर नकल कराने की कोशिश करने वालों को खदेड़ते दिखाई दिए।